जिसमें 22 गाथाएं यहाँ पर पूर्ण हो चुकी हैं, आज 23वीं गाथा की व्याख्या होने जा रही है। अब लोक व परलोक में इंद्रिय विषयों का सेवन दुखप्रद है, इसे आचार्य भगवान अगली गाथा में बता रहे हैं। रणी चुवे नाओ तिरकै मानुषु दुःखाय देवेषु वीतो भक्तं लहन्ति विषया सता जीव। नरकेषु वेदना तिरस्ति मानुषु दुःखाय देवेषु अपि दौर्भाग्यं लगनते विषया सत्ता जीव। यह गाथा बताते हुए आचार्य भगवान बताते हैं कि विषयासक्त जीव नरकों में वेदनाओं को, त्रियंश व मनुष्यों में दुखों को तथा देवों में दौर्भाग्य को प्राप्त करते हैं। विषयासक्त जीव विषयों में, इंद्रियों व मन के विषयों में जो आसक्त है, लुप्त है, वे जीव विषयासक्त जीव गुणहीन होते हैं और आंतरिक शत्रु से सदा ग्रस्त रहते हैं। इस कारण से उनकी स्थिति शोचनीय बनी रहती है, ऐसा नीति शास्त्रकारों ने कहा है। इस विषय में पूर्व में सातवीं गाथा के व्याख्यान में भी कुछ कहा जा चुका है, फिर भी कुछ विशेष व्याख्यान यहाँ किया जा रहा है। जैसे छत्र चूड़ामणि ग्रंथ के पहले अध्याय के 10वीं नंबर श्लोक में कहा गया है, विषयासक्ता चित्तानां गुणां कुवां नश्यति न वैदुष्यं न मानुष्यं न विजात्यं च सत्त्वा। यहाँ बताया कि जो जीव विषयों में आसक्त रहते हैं उनका कौन सा गुण नष्ट नहीं होता, उनकी ना तो पांडित्य रहता है और ना मानवीयता रहती है, ना कुलीनता और ना ही सत्यवाणी रहती है। इसके अतिरिक्त आचार्य अमित गति कृत सुभाषित रत्न संदोह नामक ग्रंथ पहले अध्याय में कहा गया है कि हाथी, सिंह, उग्र केतु, अतिरुष्ट राजा, भयंकर कालकूट विष, अति कुपित यमराज, अग्नि, सर्पराज, ये शत्रु भी उतना उग्र दुख पैदा नहीं करते जितना दुख विषय शत्रु उत्पन्न करता है। लभन्ते मतलब प्राप्त करते हैं, यह क्रिया कही गई है। विषयासक्त जीव प्राप्त करते हैं, ऐसा अन्वय होता है। क्या प्राप्त करते हैं इसे ही बताया जा रहा है। नरकेषु वेदना, नरकों में वेदनाएं प्राप्त करते हैं। नारकीय वेदनाएं अत्यंत दारुण होती हैं। विषयों में आसक्त जीवों का नरक में गिरना और वहां की वेदनाओं को भोगना निश्चित ही होता है। ज्ञानानुग ग्रंथ 18वें अध्याय में कहा भी गया है कि इन इंद्रिय विषयों में संसार को ठगने की ही चतुरता नहीं होती, अपितु लोगों को नरक रूप पाताल में ले जाने की भी उनमें कुशलता होती है। विविध नारकीय वेदनाएं कितनी दारुण होती हैं, यह आदि पुराण ग्रंथ के 10वें अध्याय में 41 नंबर से 66 नंबर के जो श्लोक उनमें इस प्रकार वर्णित किया गया है।
कितने ही नारकियों को खोलती हुई तावा, तावा कितने तावा आदि धातुओं से पिलाई जाती है, जिसके दुख से वे बुरी तरह चिल्ला चिल्ला कर शीघ्र ही विलीन नष्ट हो जाते हैं। कितनी ही नारकियों के टुकड़े टुकड़े कर कोल्हू मतलब जैसे गन्ना पेलने के यंत्र में डालकर पेलते हैं, कितनी ही नारकियों को कढ़ाई में खोला कर उनका रस बनाते हैं। जो जीव पूर्व पर्याय में मांस भक्षी थे उन नारकियों के शरीर को बलवान नारकी अपने पहने शस्त्रों से काट काट कर उनका मांस उन्हें ही खिलाते हैं। जो जीव पहले बड़ी उत्सुकता से मांस खाया करते थे बाथरूमों से उनका मुख संडासों से उनका मुख फाड़ कर उनके गले में जबरदस्ती कपाल में डोले के गोले निकलाए जाते हैं। यह वही तुम्हारी उत्तम प्रिया है, ऐसा कहते हुए बलवान नारकी अग्नि के भुलिंगों से भरी तपाई हुई लोहे की पुतली का जबरदस्ती से गले में आलिंगन कराते हैं। जिन्होंने पूर्व भव में पर स्त्रियों के साथ रति क्रीड़ा की थी ऐसे नारकी जीवों से अन्य नारकी आकर कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी प्रिया अभिसार करने की इच्छा से संकेत किए हुए केतकी वन के एकांत में बुला रही है। इस प्रकार कहकर उन्हें कठोर करोत जैसे पत्ते वाले केतकी वन में ले जाकर तपाई हुई लोहे की पुतलियों के साथ आलिंगन करा दिया। उन लोहे की पुतलियों के आलिंगन से तत्क्षण ही मूर्छित हुए उन नारकियों के अन्य नारकी लोहे के अंकुशों से मर्म स्थानों को पीटते हैं। उन लोहे की पुतलियों के आलिंगन काल में ही जिनके नेत्र दुख से बंद हो गए हैं तथा जिनका शरीर अंगारों से जल रहा है ऐसे वे नारकी उसी क्षण जमीन पर गिर पड़ते हैं। कितने ही नारकी जिन पर ऊपर से नीचे तक पहने कांटे लगे हुए हैं और जो थोकनी से प्रदीप्त किए गए हैं ऐसे लोहे के बने हुए सेमर के वृक्षों पर अन्य नारकियों को जबरदस्ती चढ़ाते हैं। वे नारकी उन वृक्षों पर चढ़ते हैं, कोई नारकी उन्हें ऊपर से नीचे की ओर घसीट देता है और कोई नीचे से ऊपर को घसीट ले जाता है। इस तरह जब उनका सारा शरीर छिल जाता है और उसे रुधिर बहने लगता है तब कहीं बड़ी कठिनाई से छुटकारा पाते हैं। कितने ही नारकियों को छत विक्षत कर देने वाले रस से भरी हुई नदी में जबरदस्ती पटक देते हैं जिससे स्वतः क्षण भर में उनका सारा शरीर गल जाता है, उसे जलचर कष्ट पहुंचाते हैं। कितने ही नारकियों को पुलिंगों से व्याप्त जलती हुई अग्नि की सैया पर सुलाते दीर्घ निद्रा लेकर सुख प्राप्त करने की इच्छा से वे नारकी उस पर सोते जिससे उनका सारा शरीर जलने लगता है। गर्मी के दुख से पीड़ित हुए नारकी जो ही असी पत्र वन में तलवार की धार के समान पहले पत्तों वाले वन में पहुंचते हैं त्यों ही वहां अग्नि के पुलिंगों को बरसाता हुआ प्रचंड वायु बनने लगती है। उस वायु के आघात से अनेक आयुधमय पत्ते शीघ्र ही गिरने लगते हैं जिनसे उन नारकियों का संपूर्ण शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है और उस दुख से दुखी होकर बेचारे दीन नारकी रोने चिल्लाने लगते हैं। वे नारकी कितने ही नारकियों को लोहे की सलाई पर लगाए हुए मांस के समान लोहे दंडों पर टांग कर अग्नि में इतना सुखाते हैं कि वे सूख कर बल्लूर मतलब शुष्क मांस की तरह हो जाते हैं। और कितने ही नारकियों को नीचे की ओर मुंह करके पहाड़ की चोटी पर से पटक देते हैं। कितने ही नारकियों के मर्म स्थान और हड्डियों के संधि स्थानों को पेनी करों से विदीर्ण कर डालते हैं।
और उनके नखों से अग्रभाग में तपाई हुई लोहे की सुइयां चुभाकर उन्हें भयंकर वेदना पहुंचाते हैं। कितनी ही नाकियों को पहने सूल के अग्रभाग पर चलाकर घुमाते हैं, जिससे उनकी आंतड़ियां निकलकर लटकने लगती हैं और छलकते हुए खून से उनका सारा शरीर लाल लाल हो जाता है। इस प्रकार अनेक घावों से जिनका शरीर जर्जर हो रहा है, ऐसे नारकियों के बलिष्ठ नारकी खारे पानी से सींचते हैं। जो नारकी घावों की व्यथा से मूर्छित हो जाते हैं, खारे पानी के सींचने से वे पुनः सचेत हो जाते हैं। कितने ही नारकियों को पहाड़ की ऊंची चोटी से नीचे पटक देते हैं और फिर नीचे आने पर उन्हें अनेक निर्दय नारकी बड़ी कठोरता के साथ सैकड़ों वज्रमय मुट्ठियों से मारते हैं। कितने ही निर्दय नारकी अन्य नारकियों को उनके मस्तक पर मुद्गरों से पीटते हैं, जिससे उनके नेत्रों की गोलक गटेना निकलकर बाहर गिर पड़ते हैं। तीसरी पृथ्वी तक असुर कुमार देव नारकियों को मेरा बनाकर परस्पर में लड़ाते हैं, जिससे उनके मस्तक सख्त करते हुए फट जाते हैं और उनसे रक्त मांस आदि बहुत सा मल बाहर निकलने लगता है। जो जीव पहले बड़े उद्दंड थे, उन्हें भी नाकी तपाए हुए लोहे के आसन पर बैठाते हैं और विधि पूर्वक पहने कांटों के बिछोने पर सुलाते हैं। इस प्रकार नरक की अत्यंत असह्य और भयंकर वेदना और बांसीक वेदना एवं दुर्गंध आदि के निमित्त से होने वाली दारुण वेदना भी नाग की जनों को भोगनी होती है। तिल्लोपणती ग्रंथ में उसका वर्णन बताया दूसरे अध्याय में और कहा है कि पांचवी पृथ्वी के अवशिष्ट चतुर्थ भाग में तथा छठी और सातवीं पृथ्वी में स्थित नारकियों के बिल अत्यंत शीत होने से वहां रहने वाले जीवों को भयानक शीत की वेदना करने वाले होते हैं। नारकियों के उपरुक्त 84 लाख बिलों में से 82 लाख 25,000 बिल उष्ण और 1,75,000 बिल अत्यंत शीत है। यदि उष्ण बिल में मेरू के बराबर लोहे का शीतल पिंड डाल दिया जाए तो वह तल प्रदेश तक न पहुंचकर बीच में ही मैन के टुकड़े के समान पिघलकर नष्ट हो जाता है। तात्पर्य यह है कि इन बिलों में उष्णता की वेदना अत्यधिक है। इसी प्रकार यदि मेरू पर्वत के बराबर लोहे का उष्ण पिंड शीत बिल में डाल दिया जाए तो वह भी तल प्रदेश तक नहीं पहुंचकर बीच में ही नमक के टुकड़े के समान विलीन हो जाए। बकरी, हाथी, भैंस, घोड़ा, गधा, ऊंट, बिल्ली, सर्प और मनुष्य या आदि के सड़े हुए शरीर की गंध की अपेक्षा नारकियों के बिल अनंत गुणी दुर्गंध से युक्त होते हैं। कार्तिकेय अनुपरीक्षा ग्रंथ गाथा 35 से 37 में नारकी दुखों का निरूपण इस प्रकार किया गया है और बताया कि नारकी जीवों को प्राप्त होने वाले दुख 5 प्रकार के होते हैं। पहला दुख असुर कुमार दुर्गंध द्वारा दिया जाने वाला दुख, दूसरा शारीरिक दुख, तीसरा मानसिक दुख, चौथा क्षेत्र जनित दुख और पांचवा परस्पर में दिया जाने वाला दुख। वहां नारकी जीवों के शरीर के तिल जैसे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, उन तिल बराबर टुकड़ों को भी भेदा जाता है, वज्रागनी में पकाया जाता है। नारकियों को जीव घाव से उत्पन्न मवाद के कुंड में फेंक दिया जाता है। जब नरक में एक समय में होने वाले दुखों का वर्णन करना भी संभव नहीं है, तब जीवन भर के दुखों की कथन तो हजारों जीव माला भी नहीं कर सकता। उसी प्रकार तिरस की मांग जेसु दुखानी त्रेंचो में
त्रियक योनि में तथा मनुष्यों में मनुष्य गति में विविध सप्त जीव विविध दुखों को प्राप्त करते हैं। त्रियक जीवा मनुष्य विविध दुखों को प्राप्त करते हैं, वह भी पूर्व में की गई विषया शक्ति का फल होता है। यह भाव है त्रेंचों में बलिष्ठ त्रेंचों द्वारा अल्प बल वाले त्रेंच पीड़ित किए जाते हैं। उनमें न्योली भाषा की तरह या बिल्ली या चूहे की तरह किन्हीं में जन्मजात बैर भाव होता रहता है। मालिक अपने घरेलू पालतू घोड़ों बैलों व गधों आदि को वाहन रूप में काम में लेते हैं। कभी कभी उनके अन्न पानी का बंद करने तथा अत्यधिक भार लादने आदि के द्वारा दुख पहुंचाते हैं और चाबुक आदि द्वारा उन्हें मारते पीटते भी हैं। बैलों आदि के भृषण का छेदन कर भी पीड़ित करते हैं। वे त्रियंच आहार भय मैथुन परिग्रह इन संज्ञाओं से उद्विग्न बने रहते हैं। अपनी इच्छा की पूर्ति ना होने पर उनके दुख की वृद्धि ही होती है। उनमें वाणी व्यवहार के ना होने से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। इस प्रकार त्रेंचों को विविध वेदनाओं का अनुभव होता है। इसका निरूपण कार्तिकेय अनुपृक्षा ग्रंथ गाथा 40 से 44 में इस प्रकार किया गया है कि नरक से निकलकर जीव अनेक प्रकार के त्रेंचों में जन्म लेता है। वहां भी गर्भज अवस्था में भी छेदन वगैरह का दुख पाता है। अन्य त्रेंच उसे खा डालते हैं, दुष्ट लोग उसे मार डालते हैं। अतः सब जगह से भयभीत होता हुआ त्रेंच प्राणी भय के भयानक दुख को सहता है। त्रेंच परस्पर में ही एक दूसरे को खा जाते हैं, इसलिए दारुण दुख पाते हैं। जहां माता ही बच्चा को, वहां दूसरा कोई उनकी रक्षा कैसे कर सकता है। त्रेंच जी तीव्र प्यास से प्यासा होकर और तीव्र भूख से भूखा व्याकुल होकर पेट की आग से जलता हुआ बड़ा कष्ट पाता है। इस प्रकार त्रेंच योनि में जीव अनेक प्रकार के दुख सहता है। भाव प्रावत ग्रंथ गाथा 10 में कहा गया है, हे जी, तूने त्रेंच गति से चिरकाल तक खोदे जाने, तपाए जाने, जलाए जाने, हवा से उड़ जाने, तोड़े जाने और रोके जाने आदि के दुख प्राप्त किए हैं। इस प्रकार मनुष्य जन्म में भी दुखों की परंपरा प्राप्त होती है। वहां शारीरिक मानसिक आगंतुक आदि दुख होते ही हैं। ऐसा भाव प्रावत ग्रंथ की गाथा नंबर 11 में प्रतिपादित किया गया है। कैसा बुढ़ापे से ग्रस्त होना, विकलांगता, मौत से भय, अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग, बलवान शत्रु की ओर से बध, बंधन आदि के होने की स्थिति इत्यादि असाता वेदने की उत्पादक घटनाएं प्राय होती रहती है। कभी पुण्य के संयोग से लोगों को इष्ट पदार्थों की प्राप्ति हो भी जाती है, किंतु पुण्य के क्षीण होने पर उन प्राप्त पदार्थों की नश्वरता के कारण अंततोगत्वा दुख ही अवशिष्ट रहता है। उस स्थिति में व्यक्ति अप्रशस्त ध्यान होता है, जिससे पुनः दुर्गति दायक कर्मों का बंद कर अपनी दुख परंपरा को ही बढ़ाता है। कार्तिकेय अनुपृक्षा ग्रंथ गाथा 50 से 55 में ऐसा कहा भी गया है कि बहुत पुण्यशाली को भी समस्त धन धान्य आदि पदार्थ व भोग पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाते हैं। किसी के भी ऐसा पुण्य नहीं होता कि सभी इच्छित वस्तुएं प्राप्त हो जाए। किसी मनुष्य की तो स्त्री ही नहीं है, किसी के स्त्री है तो उसके पुत्र नहीं है, किसी के पुत्र हुआ तो उसका शरीर रोगी होता है, किसी का शरीर निरोग भी हुआ तो धन दान संपदा नहीं होती, किसी की धन दान हुआ भी तो उसकी मृत्यु शीघ्र हो जाती है, अर्थात आयु कम होती है। किसी की स्त्री दृष्टा है दुष्टा है तो किसी का पुत्र जुए आदि दुर्व्यसनों में फंसा रहता है, किसी की भाई बंधु शत्रु के समान वैर निभाते हैं,
तो किसी की पुत्री दुराचारिणी हो जाती है, किसी का सुपुत्र मर जाता है, किसी की प्रिय स्त्री मर जाती है, किसी का घर कुटुंब आग में पड़कर भस्म हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य गति में अनेक दुखों को सहते हुए भी जीव ना तो धर्म में ही मन लगाता है और ना आरंभ हिंसा को ही छोड़ता है, और आगे जो मनुष्य आदि संबंधी दुख हैं उनका वर्णन हम कल जानेंगे। आज का समय में आज के लिए इतना ही। जय बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय।